हमारा प्रोग्राम एजेंडा इस तरह से है। कभी भारत से अनेक नेशन पर, तो ऐसे सप्रे
ऑपरेशन को लड़ने के लिए हर जगह से ऑपरेशन तेल है। इस अवसर पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी अध्यक्ष श्रीमान टुकी जी को वेलकम करती हूँ। उसके बाद जितने भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, महिला के हैं, सेवा दल के हैं, एनएसओआई के हैं, यूथ के हैं, और फिर राजीव गांधी संगठन के हैं, फिर बहुत से बीसीसी यूथ के डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल, महिला के डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल, सारे जनों को और बाकी मेंबर को सिटी कांग्रेस के भी आए हुए हैं। तो सबको मैं आपका आदर स्वागत करती हूँ। शुरू करने से पहले आप सबको मैं ये बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 50 साल जब हमारा देश का अधिवेशन हुआ, दोनों प्रखंड एक साथ हम लोगों ने आयोजन किया। इस प्रोग्राम में जब कांग्रेस परिवार में से हम लोगों ने रिसोर्स पर्सन बनाया, हमें बाहर से बुलाया नहीं, क्योंकि अपना से सिखाना है। रिसर्च पर्सन के लिए जो आया है, जो कांग्रेस फाउंडेशन डे के लिए उनका जो वाइस प्रेसिडेंट मीना तको मैडम जी, बांग्लादेश रिलेशन वार के लिए जो रिसर्च पर्सन भाई जेगी कालू, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन और जनरल सेक्रेटरी एनपीसीसी एडमिनिस्ट्रेशन और सभी जनरल सेक्रेटरी ऑफिस बियरर्स के दोस्त, फ्रंटल हेड हमारा जो सेवा दल प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, एनएसएम प्रेसिडेंट, महिला वाइस प्रेसिडेंट, यंग ब्रिगेड के प्रेसिडेंट और यहां आए हुए डीसीसी प्रेसिडेंट, सिटी प्रेसिडेंट, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बियरर्स और आए हुए मेरा कांग्रेस का कार्यकर्ता जन, जो भी विषय में जानना चाहता था वो दोनों ने, जो रिसर्च पर्सन दोनों ने बता दिया है वो भी संक्षिप्त में, क्योंकि हम आजकल का समय में लंबा चला लोग पसंद नहीं करते हैं, कंप्यूटर एज हो गया, इसलिए मैंने दोनों को भी अनुरोध किया कि कम कम बोला करो। ये तो कांग्रेस का हिस्ट्री बोलने में एक दो करता तो कम बहुत कम हो जाएगा, लोग अलग अलग सब्जेक्ट में आपका जो कांग्रेस कैसे फॉर्म हुआ, कब से आंदोलन शुरू हुआ, कितना प्रेसिडेंट रहा, उसके फ्रीडम पाइस फ्रीडम मूवमेंट में कौन कौन लोग मरा, कौन कौन लोग सेक्रीफाइस किया, क्या क्या विषय में मूवमेंट चला, कहाँ कहाँ चला, कौन लीड किया, ये सब बहुत लंबा कहानी है। लोगों को पार्टी में जुड़ के काम करवाने के लिए, काम करने के लिए हमने कोशिश किया। तो पीसीसी ऑफिस बियरर्स को नया जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हो गया, सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ, कोई चेयरमैन अपॉइंटमेंट हुआ, उन सबको मैं तहे दिल से मैं अब बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कॉन्सलेशन सेकेंड में अभी जो न्यूली इलेक्टेड अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट भाई तार जोनी को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। न्यूली अपॉइंटेड यंग ब्रिगेड प्रेसिडेंट तीज कापा जी को भी मैं बधाई देता हूँ। तीसरा में हम लोग का इस समय बहुत सारा डीसीसी प्रेसिडेंट भी हम लोग ने बनाया है और
अभी एनसीसी से फॉर्मल अप्रूवल तो बाकी है, फिर भी हम लोगों ने बना दिया क्योंकि हम लोग को जरूरत है। हम लोग को मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च करना है, जन जागरण अभियान भी कंटिन्यू करना है डिस्ट्रिक्ट में, जिला में, जहां जहां में, और ट्रेनिंग को कम भी कराना हो, एनसीसी का प्रोग्राम जो दिया हुआ है उसको करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग कुछ कुछ डीसीसी बैठक को सब लोग का नाम यहाँ नहीं आया, लेकिन रिसेंटली सबसे सीनियर मोस्ट हम डीसीसी प्रेसिडेंट एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया है, फॉर्मर सबसे सीनियर मोस्ट फॉर्मर होम मिनिस्टर अजीत नगर बाद में मेरी रिटायर होने से अपन बारे का डीसीसी प्रेसिडेंट बन सकता है। तो यहाँ अजीत गाली को भी बधाई देता हूँ। उसके बाद पपुमपरे का जो न्यूली अपॉइंटेड डीसीसी परिषद भाई नारायण मिश्रा को भी मैं बधाई देता हूँ। का बोलो या अपन मेरा कहा है और कवा नीलो इतना सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट जो काम कर सकता है, मोस्ट एक्सपीरियंस है, मोस्ट डायनामिक है और मोस्ट लोयलिस्ट है, मर जाएगा लेकिन कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसा लोगों को बनाया है कि नहीं। उन लोगों के लिए पावर क्वेश्चन कुछ लालच नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस में रहेगा, कांग्रेस में काम कहाँ कहाँ चला, कौन लीड किया, ये सब बहुत लंबा कहानी है होगा, और उस समय में आंदोलन में क्या क्या कार्य किया, कितना लोगों को एकत्र किया और कितना जो नीति बनाया इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस के लिए, इकोनॉमिक रेगुलेशंस के लिए, आपका एजुकेशन हेल्थ रेगुलेशंस के लिए, एग्रीकल्चर अनेक रेगुलेशंस किस प्रकार से लीड हुआ, कितना अचीवमेंट हुआ, वो सब तो बहुत लंबा सफर होगा। और वो किताब में है, हम लोग कांग्रेस का किताब जरूर पढ़िए, मैं अनुरोध करूंगा आपका जिसका पास आजकल तो ऑनलाइन में भी किताब मिलता होगा, आप कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस का लीडर्स है, कम से कम होने से भी कांग्रेस का हिस्ट्री को थोड़ा जानना बहुत जरूरी होगा। जब वो नहीं जानेंगे फिर हम लोग का बाल बच्चा भाई बहन लोग भी नहीं जान सकेंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा जो जितना सीख सकता है जो पढ़ सकता है वो जरूर पढ़िएगा। मैं उसमें दोबारा समय बर्बाद नहीं करूंगा कि हिस्ट्री को बता दिया, दोबारा हिस्ट्री को मैं भूलना नहीं चाहता हूं। मैं जो भी एक्टिविटीज हमारा प्रदेश में होना है, वर्तमान किस प्रकार से प्रोग्राम चल रहा है और किस प्रकार से प्रोग्राम अच्छा से हो रहा है उसका बारे में हम कुछ बोलना चाहता हूँ। जो रिसोर्स पर्सन जो बोला हुआ वो रिपीट नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं जो पीसीसी ऑफिस बेरर्स बीच में हम लोग ने बहुत यंग लीडर लोग को यूथ कांग्रेस से, सेवा दल से, महिला कांग्रेस से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग परमिशन दिया और पीसीसी में एक यंग टीम बनाया, यंग टीम एक नया संगठन हम लोग ने जुड़ा है और कोशिश किया है कि कम से कम जो एनर्जेटिक यंग लोगों को पार्टी में जुड़ के काम करवाने के लिए, काम करने के लिए हमने कोशिश किया। तो पीसीसी ऑफिस बेरर्स को नया जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हो गया, सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ, कोई चेयरमैन अपॉइंटमेंट हुआ, उन सबको मैं तहे दिल से मैं अब बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सेकेंड में अभी जो न्यूली इलेक्टेड